अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। इलेक्शन के कबल इनको सीए फिर याद आया 4 साल बाद, और सीए को आप इन आइसोलेशन नहीं देखें। पार्लियामेंट के फ्लोर पे अमित शाह होम मिनिस्टर ने अवैसी साहब से और इस बात पे बहस हुई थी, उन्होंने कहा था अमित शाह ने कि सीए के बाद एनआरसी आगा, एनपीआर आगा। वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में उन्होंने क्रोनोलॉजी ये समझाई थी कि सीए के बाद एनआरसी आगा, एनपीआर आगा। तो आप इनकी बातों में क्यों आ रहा हो कि सीए से मुसलमान नसर असरअंदाज नहीं होगा। सीए में से मुस्लिम को एक्सक्लूड करके तमाम नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड कर लिया गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में सो कॉल प्रताड़ित लोगों को यहाँ नॉन मुस्लिम्स को सिटीजनशिप दी जाएगी। तो भाई अफगानिस्तान कौन सा पड़ोसी मुल्क है? पड़ोसी मुल्क तो बर्मा और श्रीलंका भी है। बर्मा में रोहिंग्यास के साथ जुल्म हो रहा है, श्रीलंका में तमिलियंस के साथ जुल्म हो रहा है, और फिर ये बेसिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ है। हम धर्म के बेस पे, रिलीजन मज़हब के बेस पे किसी को सिटीजनशिप थोड़ी दे सकते हैं। और अगर बात रहती है कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनके प्रताड़ना दी जा रही है, तो कश्मीर तो हमारे भारत में आता है। बेचारे कश्मीरी पंडितों को 5 लाख कश्मीरियों को निकाल दिया गया है, निकलवा दिया गया, वो बात अलग है। तो उन बेचारों को क्यों नहीं बसाया जा रहा है? पहले तो अपने मुल्क के लोगों को बसाए ना वहाँ पे जाके कश्मीर में। और इलेक्शन के पहले ही इनको याद आ रहा, जब 4 साल पहले सीए पर मुस्लिम सिर्फ प्रोटेस्ट किया था, उस वक्त सेकुलर पार्टीज कहाँ थी? अब सेकुलर पार्टीज बोल रही है क्योंकि इलेक्शन के पहले ये सीए आया है, और इलेक्शन के बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सेकुलर पार्टीज को नुकसान होगा, बीजेपी को गेन होगा, इसलिए किया जा रहा है। तो ये सब बातें देखें, इसमें आप किसी तरह से इनके बहकावे में नहीं आए। 10 साल से एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम एजेंडे के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। 24 घंटे टीवी पर ये इस्लाम और मुस्लिम बैशिंग में लगे रहते हैं। लव जिहाद, यूपीएससी जिहाद, वक्फ जिहाद, लैंड जिहाद, कौन कौन से जिहाद पर डिस्कशन चलता है इनका? 370, हलाला, ट्रिपल तलाक, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बिल, ये हाथ धो के हमारे पीछे पड़े हैं। और एक माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो लार्जेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी है, कम से कम 20 करोड़ लोग होंगे, उनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए। तो भैया ऐसा है, फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कब तक ये कम्युनिटी इस तरह की जुल्म, ज्यादती और बदमाशियां बर्दाश्त करेगी? कभी कोई जुम्मे की नमाज पढ़ रहा है तो उसके आके लात मारती जाती है। ये सब चीज़ें गलत हैं। सीए के बहकावे में ना आए कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ये करके रहेंगे, इनका टारगेट है कि 3rd इलेक्शन जीत कर एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में लाकर कॉन्स्टिट्यूशन को बदल कर ये सब करना चाहेंगे। अव्वल आखिर हमें रोड पे आना ही पड़ेगा। रमज़ान खैर से गुजर जाए, और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, देखते हैं क्या होता है। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।